तो आप सबको तो पता चल चुका होगा कि विंटर ब्रेक पे कहीं जाने की तैयारी कर चुके हैं हम। उसके पहले का कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं कि मैं कैमरे के बारे में सोच भी पाऊँ। जाने की तैयारी, खाना बनाना, घर मैनेज करना, ए टू जेड सारा काम फिनिश करना और पैकिंग करके निकलना, सब कुछ मुझे ही करना होता है। तो नहीं शूट कर पाई, कुछ भी नहीं किया मैंने। हाँ, घर से निकली, स्टेशन पे आई तो लगा अब चलो शुरू हो जाते हैं। तो ये पहला वीडियो शूट किया था मैंने, जो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, ट्रेन में? हेलो, पहले का मैं कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। इतना काम था मेरे पास। कोशिश है, जहाँ जा रहे हैं काफ़ी लंबा टूर है, तो छोटी छोटी क्लिप्स आप सबको दिखाती रहूँ, घुमाती रहूँ। तो ट्रेन में बैठने के बाद भी इनका स्कूल का काम चले जा रहा है और बच्चे अपने मोबाइल में और गेम में मस्त है। ये हम लोग ने खाया अमरूद, बहुत टेस्टी था। और सुबह हो चुकी है, ये हम लोग एमपी की तरफ पहुंच चुके हैं। तुमको कुछ ऐसा केबिन मिल गया था, हमको भी दिखाओ। जो कि बिल्कुल फर्स्ट एसी वाला फील दे रहा था। ये ऐसे पूरा बंद केबिन, मम्मी गिरा तो कैसा रहा मेरे साथ सफर? सब किया एक्सपेक्टेड आंसर। और कैसा रहा आपका सफर? खत्म ही नहीं हुआ अभी, क्यों पूछ रहे हो? मतलब आधा अभी तक का सफर कैसा रहा? अच्छा था, लेकिन आज शाम को बहुत मोर देन 18 आवर्स हैज क्रॉस्ड। वो बंदा है लंगूर। आपको कैसा रहा मैम? ठीक ठाक। मेरे बारे में पूछें? अरे हम करते हैं मैडम, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहा। कब इतना समय पास हो गया, खुशी इस बात की थी मुझे कुछ काम नहीं करना है, बस सोना है, बस सुहाना सफर। ठीक है, धन्यवाद। तो ये बस हम लोग भोपाल क्रॉस करके इटारसी पहुंचने वाले हैं, और इटारसी में कोई आ रहा है मेरे लिए। ये है निशिता, जो पिछले 3 सालों से जब भी मैं पुणे जाती हूँ ये ज़रूर आती हैं। किसी भी टाइम ट्रेन आए खाना लेके आती हैं अपने पापा के साथ। तो बस हमेशा की तरह खाना लेके हाजिर है। आइए, कह रहे हमेशा की तरह खाना लेके हाजिर है। अरे को हर बार की तरह इस बार ये प्यार निशिता का, और 3 बार हो चुके 3 साल से वो हमें जानती है, और कोई भी टाइम हो रात के 2 बज रहे हों वो लेकर के ही आती है। तो अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, ट्रेन काफ़ी लेट आई वरना लंच यही था हमारा। तो अब खाने जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है। फ्राइड राइस साथ में था आलू का पराठा। निशिता तुम्हारे की आलू के पराठे और फ्राइड राइस से हम लोग का लंच डिनर सब हो गया था। आलू का पराठा आधा हम लोग ने दोपहर में खाया और आधा रात को। थैंक यू इतने टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे और फ्राइड राइस के लिए। वहाँ पर मैं शूट करना भूल गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। Happy birthday! Happy birthday! कैसा लग रहा है? कहाँ आ गए हम लोग? मुंबई। हम छी मुंबई। तो ये है लोकमान तिलक मुंबई की डोरमेट्री। ट्रेन थी 12 बजे आने वाली थी, तो उन्होंने रिटायरिंग रूम बुक किया था। सुबह के 6 बज रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है और हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं कोई आए। 2 घंटे तो रूम में बैठ ले, हम 8 बजे तक रूम बुक है। अभी मुंबई में भी ऐसा होता है क्या कि कोई रहता नहीं है? वाह, हमें लगा था यूपी में ही ऐसी गड़बड़ होती है, मतलब पूरा इंडिया एक ही जैसा है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, कहीं से पूछने में कुछ पता भी नहीं चल रहा है। इसमें से एक रूम हमारा है बुक, देखते हैं बैठने को मिलता है कि नहीं, वरना फिर हम लोग अपने होटल निकलेंगे। एक्चुअली ट्रेन रात को आ रही थी, तो हम सोचे थे डोरमेट्री बुक कर लेते हैं सुबह तक के लिए, और सुबह फिर हम लोग अपने होटल चले जाएंगे। तो ये हाल है यहाँ पे। फाइनली हम लोग को रिटायरिंग रूम मिल गया, और ये है, सो रहा था वो उधर। पुलिस वाले से उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया वो उधर सो रहा है। तो गए हम लोग, बस हम लोग यहाँ से फ्रेश होके हाथ मुँह धोई करके ब्रश करके निकल रहे हैं।
और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। चाय पी के यहाँ से चेकआउट करेंगे। रात से बुक था पर जब ट्रेन ही लेट आई है तो कोई क्या कर सकता है। 2 घंटे बस उसमें रहे हम लोग। अब हम लोग निकलेंगे होटल की तरफ जहाँ पे होटल बुक किया है हम लोगों ने 2 दिन के लिए। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पुणे। तो आप लोग बने रहिएगा, ब्लॉग अगर एंड हो रहा हो तो यहाँ पे एंड कर दूंगी, नेक्स्ट में मिलेंगे हम लोग, अदरवाइज थोड़ा सा इसमें और कंटिन्यू करूँगी। जा रहे हैं चाय पीने। ये है मुंबई का लोकमान्य तिलक। यहाँ पे भी सवेरा हो तो क्या मन, हमारे यहाँ सवेरा जल्दी होता है। यहाँ पे भी 7:10 को हो रहा है, हमारे यहाँ जल्दी होता है। गर्मी हो तो 5 बजे और सर्दियों में 6:30 सवेरा हो जाता है। चाय भी तो आज के दिन में खास ये है कि आज है मेरी बुढ़िया रानी का बर्थडे। आशिका 8th बर्थडे है इसका, आज 8 साल की हो जाएगी। तो हमेशा हर साल हम इसके बर्थडे में निकल लेते हैं क्योंकि विंटर ब्रेक होते हैं उस टाइम और हम लोग पुणे चले जाते हैं हर साल। इस बार थोड़ा सा प्लान उल्टा हो गया। मैं बताती हूँ कि पे बहुत शोर है, मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि इस बार हम लोग यहाँ पर क्यों आ गए। मुंबई के स्टेशन पे वॉक कर रहे हैं टाइम पास, क्योंकि होटल पे चेक इन तो 11 बजे ही होगा ना, बस घूम रहे हैं स्टेशन। तो आपको मैं बता रही थी कि जो हमारी ट्रेन थी वो सैटरडे को मनगापुर से नहीं थी, गोरखपुर से थी। तो हमारे लिए गोरखपुर जाके ट्रेन पकड़ना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हस्बैंड का स्कूल ही 3 बजे छूटता है और वहाँ पर ट्रेन 3 बजे थी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, मुंबई तक का टिकट ले लिया। तो जब मुंबई तक का टिकट ले लिया तो सोचा क्यों ना हम लोग यहीं पे स्टे करें यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। पता था कि लेट पहुँचेगी ट्रेन, फिर पुणे जाना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें दर्शन करना था, बहुत पहले से सोचा था हम लोगों ने, सिद्धिविनायक और हाजी अली जाना था। 2018 के दिसंबर में हम लोग गए थे एक बार, तब का सोचा हुआ था, 5 साल हो गए। तो बस हम लोग सोचा चलो क्यों ना आशी के बर्थडे पर आज दर्शन करते हैं, बच्चों को बीच घुमाते हैं और एक दिन और स्टे करते हैं मुंबई में ही, मुंबई को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा नहीं। और फिर 2 दिन बाद हम लोग यहाँ से पुणे चले जाएंगे वापस पापा मम्मी के पास। फिर वहाँ का प्लान अकॉर्डिंगली होता रहेगा, जैसा भी होगा, क्या कौन किससे कैसे मिलना है वहाँ पे। वहाँ पे भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, पुराने भी जानने वाले कई सारे लोग हैं, पापा मम्मी भाई भाभी तो हैं ही वहाँ पे। फिर वहाँ पे भी घूमेंगे, तो 1 हफ्ते का स्टे वहाँ है हमारा। तो ऐसे ही प्लान बन गया, मुंबई का सडनली बन गया, पहले से कोई प्लान नहीं था हमारा, बस निकल पड़े हैं। और ये है डोरमेट्री की हालत, ठीक है, बेड ठीक ठाक है। वैसे भी हम लोग को बस 3-4-5 घंटे का ही स्टे था क्योंकि चेक इन होटल में जब टाइमिंग है उसी समय होता है। सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, पहले ये था कि ट्रेन 12 बजे रात को आ जाएगी, 12:30 बजे, तो कहाँ उतनी रात में जाएंगे हम लोग नए शहर में। तो ट्रेन ही सुबह 6 बजे आई। बस हम लोग का चाय वाय हो गया है, फ्रेश हो गए हैं, हम लोग निकलेंगे होटल में ही, हम लोग बैग अनपैक। तो उस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। फिर से मेमोरी फुल हो गई थी, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम, इतना क्लियर करने के बावजूद कुछ इशू हो रहा है बार बार। तो इसको यही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।